अरे मैडम क्या हुआ? इतने सारे पैसे, एक मिनट मैं उठा देता हूँ। अरे पहले तो मैं सॉरी मैडम, अब दवाई तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इतने सारे पैसे जो मिल गए हैं। एक काम कीजिए, आप यहीं लेटे रहिए। अरे मैडम क्या हुआ आपको? ये दवाई चाहिए? इतने सारे पैसे, अगर मैंने इनको दवाई दे दी तो ये पैसे नहीं ले पाऊंगा मैं। अरे मैडम मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ आपके पास। ठीक है यार, मैं नहीं, आराम से बैठ, आराम से लो पानी पीजिए, मैं दवाई लेनी है। ये फोन किसका? आप ठीक हो? ये आपके पास लीजिए, लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई नहीं, मैं आपको एक ड्रॉप करके आ जाता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं मुझे कोई दिक्कत है तो मैं आपको ड्रॉप कराऊंगा। अरे नहीं, मैं अब ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली है, बस दवाई की वजह से मुझे थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, सॉरी ना, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है। जी मैं बैठे ना, बैठे बैठे जॉब के लिए आए आप लोग, लेकिन मुझे लगता है जॉब से पहले आप लोगों को इंसानियत सीखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता मुझे ये बात बताने की जरूरत है आप लोगों को मैं किस बारे में बात कर रही हूं। अगर आपकी फैमिली मेंबर में से कोई भी अधमरी हालत में ऐसे पड़ा होता कि आप लोगों से छोड़ के ऐसे भागाते, मैं अधमरी हालत में वहां तड़पती रही उन दवाइयों के लिए, पानी के लिए, लेकिन आप लोग मुझे छोड़ के चले गए बस उन चंद रुपयों के लिए। जिस इंसान में इंसानियत ही ना हो तो उसे मैं क्या कोई भी जॉब नहीं देना चाहेगा, और वो इंसानियत मुझे इस इंसान में दिखी क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, वहां रुके, मुझे दवाइयां दी, मुझे पानी पिलाया और तब आए। मुझे लगता है आप लोगों को ये जॉब की जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं और आप सैलरी डिस्कस करने के लिए अंदर आ जाइए। हमें जॉब की बहुत जरूरत है। जॉब की जरूरत है, मुझे भी बहुत जरूरत थी पानी और दवाई की।